हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे एक वीडियो जिसमें इंडियन अमेरिकन सीईओ ने ये एयर इंडिया की फर्स्ट क्लास की टिकट ली थी और उसके बाद उसने वीडियो बनाया अपने कैबिन का जिसकी बुरी हालत थी। एयर इंडिया में फर्स्ट क्लास का उसने लिया था, उसने पता नहीं कितने, कोई 5 लाख से ऊपर की वो टिकट ली है। फर्स्ट क्लास बहुत महंगा होता है और शॉक लगेगा देख के कि उस फर्स्ट क्लास की क्या हालत थी। अब देखते हैं कि 5 लाख के ऊपर, ये खाली पांच, मेरे ख्याल से 5 लाख के ऊपर की टिकट उसने ली है और वो उसने उसके बाद जब देखा कि मेरे को क्या मिला, उसने खुद उसने वो सीईओ ने उसका वीडियो बनाया और जो अब वायरल हो रहा है। मैं देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि टाटा को कुछ इयर्स लगेंगे टू फिक्स एवरीथिंग, पर क्वेश्चन ये कितना बुरा हाल था एयर इंडिया जो है वो देखना मुझे तो right. कि उस क्या तुम अगर है भी हालत खराब तो अगर तुम 5 लाख की टिकट दे रहे हो, 5 से 6 लाख की एक टिकट दे रहे हो तुम, और उसके बाद अगर इतना बुरा हाल है तो भाई तुमको फिर टिकट सस्ती करनी चाहिए जब तक हाल नहीं ठीक होता। मैं तो ये कहूंगा कि एयर इंडिया जो है बदनामी हो रही है, टाटा के अंदर आया है, वो काफी नए एयरप्लेन्स खरीद रहे हैं। मेरे ख्याल से 60 या 70 एयरप्लेन्स मंगवाए थे, आधे एयरबस को दिए थे, आधे बोइंग को, मगर बोइंग में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो हो भी सकता है अगर बोइंग नहीं डिलीवर कर पाएगा वो सारा एयरबस को जाएगा। तो जब नए उनके प्लेन्स आएंगे एवरीथिंग विच भी ओके, बट आई एग्री कि जब तक आपको पता है कि आपकी हालत अच्छी नहीं है, आप प्राइसेस अपनी टिकट की कम रखिए लोगों को बताने के लिए कि हमारी एग्जैक्टली उतनी फर्स्ट क्लास नहीं है जैसे आपको यूज टू है, या उसको ठीक कर लो ना, जहां गड़बड़ है उसको मेंटेनेंस से लो, नए खरीदने की जगह पहले, नए खरीदने की जगह जो अभी तुम यूज करो उनको तो ठीक कर लो। नहीं तो देखो, अब एक मैं ये सोच रही थी, वो इंडियन अमेरिकन ने क्यों एयर इंडिया की टिकट ली होगी, क्योंकि उसके अंदर अपने देश के लिए होगा कि मेरा एयर इंडिया का है, मैं उससे जाऊंगा। देखिए, नहीं तो कितने लोग हैं इमिरेट्स और कतर, जो कतर को इतना बोलते, कतर एयरलाइंस को इतना माना जाता है कि उसकी तो फर्स्ट क्लास बहुत अच्छी होती है, वो उसको भी तो ले सकता था। एयर इंडिया में ही वो एपिसोड हुआ था जहाँ पे रात में एक पैसेंजर जाता है और वो टॉयलेट कर देता है एक लेडी पे। हाँ, मैंने सुना था, बताया था। उसका रीजन ये था कि वो बहुत ही, उसने पी भी थी अल्कोहल और वो उस स्टेट में ये सब काम कर रहा था। उसमें आप एयर इंडिया को नहीं कह सकते हो, वो तो उस पैसेंजर के बाद वो बताए थे एयर इंडिया ने अच्छा हैंडल नहीं किया था, उस बंदे को प्रोसिक्यूट नहीं किया था, उस लेडी को प्रॉपर सीट नहीं दी थी, वो गलत था। तो ये तो कॉमन सेंस है कि काफी प्रॉब्लम्स उसके बाद आई थी और वो कह रहे थे कि बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में सीट खाली भी थी फिर भी दे डिड नॉट गिव इट। दैट इज वेरी रॉन्ग, बहुत गलत बात है। तो उसके बाद आई थी एयर इंडिया की हैंडलिंग पे। अगर कोई समझदार इंसान होता बोलते सॉरी मैडम ये बहुत घपला हुआ है, आपको हम फर्स्ट क्लास में बिठा रहे हैं या बिठा रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, और साथ में जो एयर होस्टेस या वहाँ के पायलट या जो भी कर्मचारी होते हैं जो उस प्लेन को, जिस प्लेन में ये बंदा गया है सीईओ, वो देख रहे हैं, तो तुमको दिख नहीं रहा कि अब फर्स्ट क्लास की क्या हालत हो रही है? क्या तुम अपने रिकॉर्ड्स में नहीं लिखते कि यहाँ पे मेंटेनेंस की जरूरत है? तो कहीं पे तो गड़बड़ है। जो भी रीजन हो, नुकसान तो एयर इंडिया को होगा। एयर इंडिया का मतलब, और किसकी बदनामी हो रही है? इंडिया की बदनामी हो रही है। यू हैव टू बी बेस्ट। जाते आते हैं इंडिया तो हम भी चेक करते हैं एयर इंडिया क्या है, और एयर इंडिया की प्राइसेस इतनी ज्यादा होती है कि हम बोलते हैं यार अपनी एयरलाइन की पहले रैंकिंग देखो, तो रैंक देखो, प्राइस देखो, उसमें कोई मैचिंग है ही नहीं। प्राइस इतनी ज्यादा, रैंक इतनी लो, डजंट मेक सेंस। नहीं, हमारी तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे डायरेक्ट थी भी नहीं, जब हम लोग गए थे एयर इंडिया हमें मिली नहीं, कहीं टिकट्स के लिए अवेलेबल नहीं, एयर इंडिया का नाम ही नहीं था, फ्लाई नहीं करती, हमने तो देखा ही नहीं। तो हमारे पर जब हम कोलोराडो में होते थे तब वहाँ पे एयर इंडिया मैं देख रहा था कि कनेक्टिविटी एयर इंडिया की कितनी देखी है। थी मैंने तो यहाँ से आप शिकागो जाइए, न्यूयॉर्क जाइए, इजीली फ्लाइट मिल जाती है, पूरा पैकेज मिलता है, मगर इंडिया की इतनी कॉस्टली थी, इट वाज इलॉजिकल। मैं तो कह रही हूँ यहाँ से एयर इंडिया की मेरे को एक इंसान यूएसए से इंडिया जा रहा है तो भी एयर इंडिया महंगा चार्ज कर रही है, वो भी उसकी रैंकिंग खराब। अगर आप इस तरह की, अभी तो हमने वीडियो नहीं देखी, अगर वो तो देख के पता चलेगा, अगर ये बहुत बुरी हालत में तुम दे रहे हो तो फिर कौन जाएगा यार? अगर हालत इतनी बुरी नहीं है तो व्हील से ओके, लेट्स सी, पहले वीडियो देखते हैं कि हुआ क्या है, क्या क्या बुरी हालत थी। फर्स्ट क्लास का मतलब है इट हैज टू बी, जैसे होता है ना कि आप किसी 5-star होटल के स्वीट में जाके रह रहे हो, उस टाइप की। अब आपका, अगर आपने कतर एयरवेज की फर्स्ट क्लास की देखी हुई है तो उसके साथ कंपेयर करेंगे अब हम। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। Come with me on the worst first class cabin I've ever been Chicago on. To Chicago to Delhi non-stop Air India. Safi nahi kiya wa. Oye, restroom hai. Ye restroom hai? Nahi, kamra hai. Ye uska room hai.
samosa. I understand regular wear and tear, but this was next level, guys. This was a warm towel that came out, which was served cold. They had a collab with Ferragamo. This was decent. There was PJs that were pretty soft, and then there was headphones that came out that were untangled. उसका कम वो है सीट पटेल वॉज ट्रैवलिंग फॉर 15 आवर्स नॉन स्टॉप फ्रॉम शिकागो टू न्यू दिल्ली. शिकागो से डायरेक्ट होती है ना वही तो शिकागो न्यू वही तो मैं बोल रही थी. क्राफ्ट वही तो जो वहाँ पे सॉकेट्स बने हुए हैं वहाँ पे ये हाल है सीट्स का ये हाल है रिप्ड और कैबिन का है. That expecting was frustrating and nightmare. Just to be aware of flying. वही तो बदनामी तो होती है ना फिर. The food menu were unavailable. अच्छा. ओ ये तो एयर फ्रांस में भी हुआ था. हमारे साथ भी हुआ था. पर हम कोई फर्स्ट क्लास में तोड़ के बैठे थे हम. फिर भी. Was the only thing he liked was the soup. समोसा थोड़ा पुराना सा लग रहा है मुझे तो. टिकट वॉज वन वे टिकट थी $6,300 मतलब 5,00,000 एक वे. भाई गॉड एनी स्टेटमेंट ऑन पटेल्स वीडियो एज पर पटेल्स इन सम स्टोरी द एयरलाइन हैज रिफंडेड हिज एंटायर फ्लाइट कॉस्ट. पर बदनामी तो हो गई ना. Come with me on the worst first class cabin I've ever been on. This is Chicago to Delhi nonstop Air India. It was $6,300 one way or 250,000 miles. Look at how gross this is. There was hair in there, things moving in every compartment. Everything was ripped, ruined, or had mildew on it. I understand regular wear and tear, but this was next level, guys. This was a warm towel that came out, which was served cold. They had a collab with Ferragamo. This was decent. There was PJs that were pretty soft. And then there was headphones that came out that were untangled. USD. And they had mildew on them. Everything was just ripped, broken. Look at this. This could easily be wiped off with Lysol. This was a food menu. It looked very promising. But of course, 30% of these items were not even available. They only had one of each item, and there was only 4 of us in the entire cabin, and it was basically a first come first serve. This was the first nuts that came out. They didn't even put a tablecloth over it. Then she forgot, so she came back with the tablecloth. This was a samosa. It was very average. This soup was absolutely delicious. It was the only good thing on the flight. Of course, 15 hours, no entertainment. The entertainment system did not work the entire 15 hours. Everything was broken. They literally put tape on the walls to tape that stuff down. She came back, they reset it 4 or 5 times, nothing worked. It was a nightmare. I raw dogged this flight. It had no Wi-Fi on this flight. I took all of the freebies home. Shocking. देखो इकोनॉमी में समझ में आता है कि थोड़ा बहुत इस टाइप से हो वो भी नहीं समझ में आता वैसे तो मुझे पर जिस तरह से आप फर्स्ट क्लास इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वो उसने 5,00,000 के आसपास एक साइड की टिकट का पैसा दिया हुआ है और उसको कब जो दे रहे हैं कैबिन उसकी हालत देखो उसमें बैठने के लिए हमें करीच आ जाए. मतलब अगर ये नॉर्मल इकोनॉमी में भी ऐसा कम देते तो हम मना कर देते कि हमने नहीं यहाँ बैठना. अगर इकोनॉमी क्लास भी हो तो बंदा कहेगा मैंने नहीं यहाँ बैठना और ये तो फर्स्ट क्लास है. देखा उसने जब वो दिखा रहा था चीजें वही जो फटा हुआ उसने इलाका दिखाया था ना जो इनको लग रहा था बाथरूम है वो बाथरूम नहीं था उसका कैबिन ही था. उसके आगे का जो पोर्शन था वहां पे वो फटा हुआ था उधड़ा हुआ था वहां पे और वो जो सब गन दिखा रहा था वो आसपास उसी के कैबिन. वो कह रहा है सभी कैबिन के ये हाल थे. हर चीज में वो दिखा रहे थे वो देखा खाने में इतना सारा मेन्यू पर हर केस में एक एक चीजें अवेलेबल है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. अगर तुमने पहले वो भी एक दो पढ़ी होंगी तुमने ले लिया तो ले लिया. और हार्डली 5 लोग थे इसमें फर्स्ट क्लास में. उसके बाद बावजूद इनके पास जो था इतना जो पैसा दे रहा उसके हिसाब से मेन्यू में जो दिया वो भी नहीं दे सकते. पर सबसे गंदा था तो गंदगी जो देखी है ऐसी गंदगी में कौन रहेगा को मतलब बैठ सकता है कि आपको आपने सफाई तक नहीं की. वो दिख रहा था कूड़ा और कह रहे बाल तक पड़े हुए थे. उन्होंने कोई चीज़ें जो है रिप्लेस करके नई नई रखी थी
जो हेडफोन भी था वो पुराना किसी ने यूज किया, वैसे का वैसे ही रख दिया इन्होंने, और कह रहे हैं जहां जहां फटा हुआ था कुछ तो टेपे लगा के उसको जोड़ा हुआ है। देखिए पॉइंट यही था कि क्योंकि सफाई नहीं थी इसलिए प्रॉब्लम। सफाई तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पास पुराना प्लेन है, कोई सोच सकता था कि चलिए पुराना मेंटेन का तो कर सकते हैं, मगर आप जिस तरीके से हैंडल करते हैं, साफ सफाई रखते हैं, सब चीज़ जैसे मिल्ड्यू लगी हुई वो नहीं होनी चाहिए, फटा हुआ था नहीं होना चाहिए, आप बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर, इतना दाग लगे हुए हैं धब्बे, अगर वो बहुत साफ सुथरा होता तब लोग थोड़े बेटर होते, उसके इंटरटेनमेंट से चलता भी नहीं। ओ हाँ वो भी नहीं, और इंटरनेट ही नहीं, वाईफाई नहीं। तो यहाँ पे एयरप्लेन्स में हाई स्पीड वाईफाई आ गया है। फर्स्ट क्लास में तो फ्री मिलता है। हाँ मगर वैसे बता रहा हूँ कि अभी तक एयरप्लेन्स में वाईफाई जो होता है बहुत ही बकवास चलता है। अब यूनाइटेड वगैरह ने स्टारलिंक से कर लिया है कोलैबोरेशन, अब हाई स्पीड वाईफाई आएगा एयरप्लेन्स के अंदर। बट एनीवे इट इज वेरी सैड टू सी कि ये हालत थी। देखो कोई इंडियन मनी बैक, पर बदनामी तो होगी ना एयर इंडिया की। नुकसान हुआ कि आपको पैसे भी देने पड़े, ऊपर से बदनामी इतनी हो गई कि आप क्या कोई जाएगा एयर इंडिया के अंदर जब ऐसे ऐसी न्यूज आई। देखिए नॉर्मली देश की बदनामी है ये। कुछ लोग जो होते हैं कंप्लेंट नहीं करते, शांत रहते हैं, हम जैसा चुप रहता है, किसी को लगे। हमने एयर फ्रांस की थोड़ी सी वीडियो में बताया था, जो इकॉनमी में ऐसा होता है, लोग बोलते हैं घटिया एयरलाइन अगली बार मत नहीं जाएंगे, मगर अगर आप इतना पैसा दे रहे हैं तब हरे तो टू मच हो गया इतना पैसा। 5 लाख रुपया और तुम ये सर्विस दे रहे हो, पहले उसको टेबल मैट बिछाना भूल गए। मैंने आपको बताया था कि हम एयर इंडिया में काफी समय से नहीं गए हैं, क्यों? क्योंकि उसकी प्राइसेस आर टू हाई और रैंकिंग जो है बहुत टू लो है। हमने जो है यहाँ वाली में तो मैं इंडिया वाला अभी तो मैंने देखा ही नहीं था क्योंकि मेरे को कहीं दिखी नहीं थी डायरेक्ट वाली, पर कोलोराडो के टाइम भी दिखता था कि पर अभी होप आ गई हुई थी कि अब बेटर हुई अभी टेक टाइम, पर अभी बुरा। मैंने भी इसके बारे में कहा था किसी वीडियो में, इट टेक टाइम, अभी उनने 60-70 नए एयरप्लेन लेके आने हैं, सब करना है, इट टेक टाइम। यहाँ पर बदनामी ना हो, एटलीस्ट जो हैं उनको मेंटेन कर लें, उनको पहले ठीक कर लें, मैं तो यही सजेशन दे सकती हूँ। क्योंकि एक इंडियन जिसने ये टिकट ली है, इंडियन अमेरिकन ने, वो खास इसलिए ली होगी कि मेरे देश की है, और तब वो शिकागो से दिल्ली आ रहा था। अब उसको कोई मजा थोड़ी कोई आना था कि बदनामी करूं मैं, उसको देख के उसको गुस्सा आया, वो अपसेट हुआ है, तब उसने ये किया। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।